हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। नॉलेज प्लेनेट इंडिया की मैथ की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा परसेंटेज का चैप्टर चल रहा है। पिछली वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के देखे थे, आज भी परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिलाने पर मिश्रण में 20% पानी हो जाएगा। दूध और पानी का एक मिश्रण है जिसमें 10% पानी मिलाया है और दूध की मात्रा में कोई चेंज नहीं किया है, तो वो पूछ रहा है कि कितना पानी मिला दे कि मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो सबसे पहले तो हम 10% और 20% को भिन्न में चेंज कर लेंगे। 10% की वैल्यू होती है 1/10 और 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 10% पानी है, यानी कि 10 तो हमारा 1/10 में हमारा 10 तो हमारा टोटल मिश्रण हो गया और उसमें 10% पानी यानी कि एक पार्ट पानी हो गया। तो हम मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो फाइंड करें तो क्या आएगा, 10 तो हमारा टोटल मिश्रण है, उसमें से एक तो एक पार्ट हमारा पानी है, तो एक तो जाएगा पानी और 10 में से एक गया तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, मिल्क। अब पानी मिलाने के बाद मिश्रण का रेशियो क्या हो जाएगा, टोटल मिश्रण पानी मिलाने के बाद टोटल जो मिश्रण है वो है हमारा 5। उसमें जो 20% पानी है यानी कि एक तो है एक पार्ट है पानी, एक पार्ट है पानी और 4 पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। अब जैसा ही क्वेश्चन में बताया गया है कि मिल्क की मात्रा में कोई चेंज नहीं होता है, तो हम यहां पर जो मिल्क की मात्रा है 9 और 4 इसको हम समान कर देंगे। समान कैसे करेंगे, इसको तो हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई और इस पूरे को हम कर देंगे 9 से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या आ जाएगा, 9 × 4 = 36 अपॉन में 4, 9 × 4 = 36 अपॉन में 9। अब आपको कैसे पता लगेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप 9 और 4 का जिसको हमें समान करना है उसका आप सबसे पहले एलसीएम ले लें। 9 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 36। अब 9 को 36 से भाग दें क्या जाएगा, 4, और 4 को भी 36 से भाग दें तो क्या जाएगा, 9। तो इस प्रकार हमें पता लगेगा कि हमें इसको मल्टीप्लाई किस वैल्यू से करना है। अब यहाँ पर हमने दूध की मात्रा समान कर दी और अब देखो कि जो टोटल है हमें कितना दिया हुआ है, 40 लीटर मिश्रण दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ने पर भी क्या आ रहा है, 36 और 4 = 40। तो यानी कि हमारा रेशियो एकदम सही आया है। तो बस अब वो पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया गया है, तो पहले पानी था 4 लीटर, बाद में पानी हो गया 9 लीटर, तो पानी कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गए तो 5 लीटर पानी, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि सिर्फ पानी मिलाया गया है तो दूध की मात्रा मिश्रण में समान रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं, ए को बी से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं तथा बी को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं और सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं। यदि ए के प्राप्त अंक 360 हैं तो डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, डी के अंक फाइंड करने हैं अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि डी के जो अंक हैं ए बी सी और डी, डी के जो अंक हैं वो हैं 100%। अब वो बोल रहा है कि सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20, 100 में से 20 गए तो कितना बच गया, 80%, तो सी के अंक हो गए 80%। अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि बी को सी से 25% अंक अधिक प्राप्त होते हैं, बी को सी से 25% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। 25% की वैल्यू क्या होती है, 1/4, 1/4 80/4 कितना हो जाएगा, 20, 80/4 20 हो जाएगा।
और वो बोल रहा है कि बी को सी से 20-25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो 80+20 कितना हो गया 100, तो बी के अंक भी 100% हो जाएंगे। अब आगे है कि ए को बी से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं, तो बी का 10% कितना हो जाएगा, यानी कि 100 का 10% कितना हो जाएगा 1/10, यानी कि 10%। तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना जाएगा 90%, तो ए के मार्क्स हो गए 90%। अब वो बोल रहा है कि यदि ए के प्राप्त अंक 360 हैं, यानी कि 90% की जो वैल्यू है उसने दे दी डायरेक्टली 360, तो डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, और हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है डी के अंक, यानी कि हमें निकालना है 100%। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 360/90 × 100, 10 से 10 कैंसिल और 9 को 40 बार काट दिया, 40 × 10 400 अंक। तो लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है फ्रेंड्स, उससे पूछा है कि डी को अधिकतम अंक का कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, तो हमारा पूर्णांक जो है वो है 500, उसे मिले कितने 400, तो बस प्रतिशत निकाल लो। प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक, प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 5 × 48 = 80, यानी कि डी को अधिकतम अंक का 80% अंक प्राप्त हुआ है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा लास्ट से स्टार्ट किया जाता है, और इसका फायदा ये होता है कि हमें उसके पहले की जो डेटा दिया गया है उन सब की वैल्यूज लास्ट की वैल्यूज से हम निकाल लेते हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में जो दिया गया है उससे स्टार्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दो उम्मीदवारों के मध्य एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को डाले गए मतों का 60% प्राप्त हुआ है, यदि वह अपने प्रतिद्वंदी से 180 अधिक मत प्राप्त करता है तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है, ना कि डाले गए मतों की संख्या, यहाँ पर यह ध्यान रखें आप। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है, 10% की वैल्यू हो गई 1/10, और 60% की हो गई कितनी होती है 60%, 3/5। अब वो बोल रहा है 3/5 हमें क्या बता रहा है कि 5 तो हमारे टोटल डाले गए मत हो गए, और उसे मिले कितने 60%, यानी कि 3 मत उसे प्राप्त हुए, तो अंतर कितना हो जाएगा। वो बोल रहा है कि यदि वह अपने प्रतिद्वंदी से 180 अधिक मत प्राप्त करता है, यहाँ पर टोटल डाले गए मत होंगे 5, उसे मिले कितने 3, तो प्रतिद्वंदी के मत कितने हो जाएंगे, प्रतिद्वंदी के मत हो जाएंगे 5 में से 3 गए 2। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, प्रतिद्वंदी के हैं 2, सॉरी जो हमारा कैंडिडेट है उसके मत हैं 3, प्रतिद्वंदी के हैं 2, तो अंतर हो जाएगा 1। इस 1 की वैल्यू उसने क्या दी है, प्रतिद्वंदी से 180 अधिक मत प्राप्त करता है, यानी कि 1 की वैल्यू हो गई 180, और हमसे पूछा क्या गया है, कुल मतों की संख्या पूछी है, तो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 × 5, 18 × 5 = 90, तो 900 मत तो डाले गए मत हो गए, लेकिन हमें निकालना क्या है, कुल मतों की संख्या निकालनी है। 900 मत कितने हैं, ये 90% मत है। कैसे पता लगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि सिर्फ 10% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया, यानी कि 90% मतदाताओं ने भाग लिया है, तो 900 जो हो गया वो हो गया 90% हमारा, और हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है कुल मत, यानी कि 100% हमें निकालना है, तो बस अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 9 से 10 बार कट गया, तो टोटल मत हो गए 1000 मत, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन की क्षमता 500 सीटें हैं, जिनमें से 10% एसी है और शेष स्लीपर है, किसी विशेष दिन इसकी क्षमता की 85%
सीटें आरक्षित है, कितनी है 85% सीटें आरक्षित है। यदि एसी श्रेणी अपनी क्षमता की 96% आरक्षित है तो कितनी स्लीपर सीटें उस दिन खाली रही, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो टोटल सीटें कितनी है, 500 है, उसमें से वो बोल रहा है कि 10% एसी है, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 50। 500 का 10% 50, जो कि क्या है, एसी। तो जो स्लीपर है वो कितनी हो जाएगी, शेष स्लीपर है, तो 500 में से 50 गई तो शेष कितनी बची, 450 स्लीपर हो जाएगी, 450 स्लीपर है। अब वो बोल रहा है आगे कि किसी विशेष दिन इसी क्षमता की 85% सीटें आरक्षित हैं। क्षमता का 85% आरक्षित है, 85% कैसे निकालेंगे, 85% निकालेंगे तो टफ पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हम 15% निकाल लेते हैं, फिर उसको टोटल में से माइनस कर देंगे। तो 15% की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 15% की वैल्यू होती है 3/20। तो 500 का 3/20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 25 या 75, 500 में से 75 गए तो कितना बच गया, 500 में से 75 गए तो बच गया 425, यानी कि 425 सीटें किसी विशेष दिन आरक्षित हैं। अब वो बोल रहा है आगे कि यदि एसी श्रेणी अपनी क्षमता की 96% आरक्षित है, एसी का जो टोटल एसी है उसकी 96% आरक्षित है, तो खाली कितनी हो गई, 4% खाली हो गई, 4% की वैल्यू क्या होती है, 1/25, तो 50/25 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि 50 में से 2 गए तो 48 सीटें एसी की आरक्षित हैं, 425 में से 48 हो गई एसी की सीटें। तो अब वो पूछ रहा है आगे कि कितनी स्लीपर सीटें उस दिन खाली रही, तो हम ये निकाल लेते हैं कि कितनी सीटें स्लीपर की भरी हुई है, फिर उसको टोटल सीटों में से माइनस कर देंगे। तो 425 में से 48 गए तो कितना बच गया, 15 में से 8 गए तो 7, और 11 में से 4 गए तो 7, 377, यानी कि 377 स्लीपर की सीटें भरी हुई है। तो खाली कितनी हो जाएगी, खाली सीटें हो जाएगी टोटल कितनी है, 450, उसमें से 377 माइनस कर देंगे तो हमारे पास खाली स्लीपर की सीटें आ जाएगी। स्लीपर की ये कौन सी सीटें, स्लीपर की खाली सीटें हैं, तो 10 में से 7 गए तो 3, 14 में से 7 गए तो 7, यानी कि 73 सीटें स्लीपर की उस दिन खाली रही, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 25% छात्र परीक्षा में अनुपस्थित होते हैं, 30% छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, तथा इन छात्रों के औसत अंक उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक कम है, 10% छात्र 5 कृपांक यानी कि ग्रेस मार्क्स, कृपांक क्या होता है, ग्रेस मार्क्स होता है, 5 कृपांक प्राप्त करके उत्तीर्ण होते हैं, शेष छात्र औसत 60 अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होते हैं, यदि उत्तीर्ण अंक 33 है तो कक्षा के औसत अंक ज्ञात करें। औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये तो आपने एक नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारी राशियाँ क्या है, यहाँ पर हमारी राशि है अंक, यानी कि हमें टोटल अंक निकालने पड़ेंगे और टोटल छात्रों की संख्या तो 100% हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि 25% छात्र अनुपस्थित होते हैं, तो 25% छात्रों के अंक कितने हो गए, 25% छात्रों के अंक हो जाएंगे 0 अंक। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि 30% छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं, 30% अनुत्तीर्ण होते हैं, लेकिन 30% छात्रों के औसत अंक उत्तीर्ण अंक से 20 कम है, और उसने दिया क्या है, उत्तीर्ण अंक 33 दिए हुए हैं, तो 33 से 20 कम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, यानी कि 30% छात्रों के अंक कितने हो गए, 13 अंक। आगे वो बोल रहा है कि 10% छात्र कृपांक प्राप्त करके उत्तीर्ण होते हैं, 10% छात्र को कृपांक प्राप्त होता है, तो कृपांक में जो अंक होते हैं फ्रेंड्स, किसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, तो उसके
टोटल उसके जो अंक होते हैं वो हमेशा उत्तीर्ण अंक के बराबर होते हैं, यानी कि इन 10% छात्रों के अंक कितने हो जाएंगे, 33 के बराबर हो जाएंगे। भले उनको 33 से कम अंक मिले हैं, लेकिन ग्रेस मार्क्स जुड़ के उनके अंक, उन सभी के अंक हो जाएंगे 33। आयो की बात आपको समझ आई होगी। शेष अब आगे बोल रहा है कि शेष छात्र औसत 60 अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होते हैं। शेष निकाल लीजिए, अब टोटल कितना हो गया है, 100 में से टोटल 5, 3 तो 5 और 1 6, यानी कि 100 में से 65 माइनस कर देंगे तो शेष छात्र आ जाएंगे। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 6 गए तो 3, यानी कि 35% छात्र औसत 60 अंक प्राप्त करते हैं। तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आ चुकी है, अब हमें निकालना है औसत अंक, कक्षा के औसत अंक हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो 25 × 0 करेंगे, टोटल अंक निकालने हैं तो 25% छात्रों के अंक कितने हैं, 0। 30% छात्रों के 13 अंक हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13 × 39 यानी कि 390, प्लस 10% छात्रों के 33 अंक हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 33 × 10 यानी कि 330, प्लस 35% छात्रों के 60 अंक हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 35 × 60, 6 × 5 = 30, 6 × 18 = 321, और टोटल कितने हैं छात्र हमारे पास, 100। इन सबको जोड़ने पर आपको मिल जाएगा 28 20 / 100, तो औसत अंक कितने हो जाएंगे, 28.20, क्योंकि अपॉन में 100 है। तो कक्षा के औसत अंक हो गए 28.20 अंक, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन परसेंटेज के, आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। एक बार इन क्वेश्चन को आप भी करके देखें और इनके नोट्स बना लें, क्योंकि ये सभी ही क्वेश्चन किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे भी इसी तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज का चैप्टर हमारा कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये परसेंटेज का चैप्टर जो अब तक हो सकता है वो कंप्लीट हो जाएगा, कि बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे परसेंटेज के वो मिक्स क्वेश्चन होंगे, उनमें अलग अलग टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो वो तब तक आप नहीं कर सकते जब तक कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड जो जानकारी है वो नहीं हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने नॉलेज प्लेनेट इंडिया को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नॉलेज प्लेनेट इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो फ्रेंड्स देखते रहिए नॉलेज प्लेनेट इंडिया। थैंक यू, गुड लक एंड गुड बाय।